नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो है कल लॉन्च होने वाले ऑनर के एक नए फोन के बारे में, जिसका नाम है ऑनर का V10। असलियत में उसका पूरा नाम है ऑनर का View 10, उसका नाम है, इसलिए उसको ऑनर का V10 जो है वो कहते हैं। और कल यानी कि 8 तारीख को वो जो इंडिया में है वो लॉन्च होने वाला है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, जो कि आपको पहले से ही मालूम होगी, पर साथ ही साथ उसकी प्रोस और कॉन्स जो है मैं बताने वाला हूं, ताकि अगर आप ये फोन जो है वो लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बैलेंस डिसीजन जो है वो ले पाए, आपको इसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पता हो, ताकि आप जो है वो बेहतर अपना डिसीजन जो है वो ले पाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको 6 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, इमोशन UI, EMUI जिसको कहते हैं, 8.0 आपको इसमें मिलेगा, और साथ ही साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉइड का 8.0 यानी कि ओरियो के साथ आता है। इसमें CPU किरिन का 960 लगाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है वो आएगा। ये पहला फोन है मार्केट में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है मार्केट में आने वाला है। और इसमें जो है GPU जो लगाया गया है वो लगाया गया है माली का G72। और इसमें जो है आपको दो वेरियंट मिलेंगे, एक मिलेगा 4GB वाला, एक मिलेगा 6GB वाला। और इसमें आपको पीछे की तरफ जो है वो डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा होगा, जिसका अपर्चर होगा f1.8, प्लस आपको जो है 20 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्रंट में जो है 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। तो इसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। काफी अच्छा फोन है, देखने में भी काफी सुंदर है ये फोन, और आपको जो है पहली नजर में बहुत ही अट्रैक्ट करेगा इसका डिजाइन। हालांकि जो है ऑनर के सारे फोन तकरीबन एक टाइप से होते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपको जरूर से एक बार वो फोन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये आ रहा है, ताकि आपके एक्सपीरियंस को और जो है वो एनहेंस कर सके। काफी अच्छा फोन है ये। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसके फायदे बता देता हूं, इसके प्रोज बता देता हूं, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉन्स की। तो सबसे पहला जो इसका प्रोज है वो है इसका कैमरा। ऑनर के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, आप चाहे ऑनर का 6X ले लीजिए, ऑनर का 8 प्रो ले लीजिए, ऑनर का 9i ले लीजिए, तीनों की अनबॉक्सिंग और तीनों को यूज किया है मैंने, आपको चैनल पे वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तीनों के कैमरे बहुत ही अच्छे हैं, ऑनर का कैमरा वास्तव में बहुत जो है वो बेहतरीन होता है पिक्स लेने के लिए, क्योंकि जो ऑनर का 9i और 8 प्रो वगैरह था उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K वीडियो जो है आप उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वो फोन इतने अच्छे नहीं थे, पर आप इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो इसके कैमरे जो है वो काफी अच्छे हैं। इसमें जो है आपको f1.8 का अपर्चर जो है वो मिलेगा आपको रियर साइड में, जो डुअल कैमरा का सेटअप है उसमें, जो उसका मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का उस पे, और जो है लो लाइट परफॉर्मेंस को जो है वो एनहेंस करेगा, ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, ज्यादा लो लाइट में लाइट जो है वो ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो इसका एक प्रो है ये कि इसका कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। दूसरा जो इसकी बात करते हैं प्रोस की, वो है रैम की। ये 4GB और 6GB रैम के साथ जो है वो आने वाला है। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इसकी प्राइसिंग जो अभी जो निकल के आ रही है रूमर, एग्जैक्ट प्राइसिंग तो नहीं पता, लेकिन 30,000 रुपए से कम इसकी प्राइसिंग रहेगी। तो जब आप इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे, 4GB या 6GB की रैम के साथ आपको सारी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ज्यादा रैम के साथ आपको मिल रहा है, और OnePlus 5T जो है वो आपको 32,000 रुपए में मिलता है, और ये 30,000 के अंदर में मिलेगा। तो ये काफी एक अच्छा इसका प्रोस है कि आपको 4GB या 6GB वाला वेरिएंट, 6GB वाला वेरिएंट भी जो है वो आपको 30,000 के अंदर अंदर जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके की न्यूज जो निकल के आ रही है, तो ये भी इसका एक प्रोज है। इसका तीसरा जो प्रोज है वो है 18:9 की डिस्प्ले, बहुत ही पतले बेजल्स के साथ आ रही है, बहुत ही वाइब्रेंट डिस्प्ले है, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सारे सेंसर्स इसमें दिए गए हैं, जो कि काफी बहुत अच्छे से काम करते हैं, और व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं इसका, बहुत ही वाइब्रेंट सा इसके जो है स्क्रीन पे कलर नजर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती स्क्रीन में। तो इस तरीके से बहुत ही पतले बेजल्स के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा एक और जो है प्लस पॉइंट ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको स्क्रीन के जस्ट नीचे में दी गई है, जबकि ये 18:9 वाला फोन है
मैक्सिमम फोन जो भी 18:9 वाले हैं वो सब में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो पीछे की तरफ दिया जाता है, लेकिन इस फोन में V10 में जो है 18:9 की स्क्रीन लंबी है, उसके बावजूद भी जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर सामने की तरफ दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके अगले जो जो है प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है एंड्रॉइड का ओरियो, ये आउट ऑफ द बॉक्स जो है एंड्रॉइड के ओरियो के साथ आ रहा है। वन प्लस 5T जो है वो नोगेट के साथ आ रहा था, बाद में जो है ओरियो का भी अपडेट उसको मिलना शुरू हुआ है, पर ये शुरू से ही जो है वो एंड्रॉइड के ओरियो के साथ आ रहा है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ इसमें इमोशन यूआई 8.0 जो इनका खुद का कस्टम यूआई है उसके सबसे लेटेस्ट वर्जन 8.0 के साथ जो आ रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वगैरह काफी कुछ सॉफ्टवेयर में जो है उन्होंने किया है, उन्होंने बताया था, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और इसमें एक और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट वाली जो बात है वो ये कि इसमें आप डुअल 4G सिम जो चला सकते हैं, डुअल वोल्टी फोन वोल्टी सिम जो है वो आप एक साथ चला सकते हैं। अभी ऐसा होता है कि एक अगर आप फर्स्ट सिम में 4G चला रहे हैं तो सेकंड में 3G चलेगा, या आप एक में वोल्टी चला रहे हैं तो दूसरे में आप वोल्टी नहीं चला सकते, पर V10 में आप दो वोल्टी सपोर्ट सिम एक साथ चला सकते हैं, यानी कि आप दो जियो सिम एक साथ चला सकते हैं, या एयरटेल वगैरह में भी जो है वोल्टी अपने स्टार्ट कर दिया तो आप दो वोल्टी वाले सिम जो है वो एक साथ चला सकते हैं, और दोनों ही 4G पे एट अ टाइम सेम टाइम जो है वो चलेंगे। तो ये काफी जो है किसका अच्छा फीचर है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि आप दो वोल्टी जो है सिम वो एक साथ जो है वो चला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें फास्ट चार्जिंग जो है वो दी गई है, जो कि 0 से 50% तक चार्ज करने में 30 मिनट लेती है, और तकरीबन 30 मिनट लेती है, और जो है कहना चाहिए कि 50 मिनट में जो है ये फुल बैटरी जो है वो इसकी हो जाएगी। तो ये भी एक काफी इसका एक अच्छा फीचर है, पर दो जियो के सिम आप चला सकते हैं, दो वोल्टी 4G एक साथ चला सकते हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सारी बातें होंगे इसके प्लस पॉइंट की। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि कोई भी सब फोन परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, तो इस फोन में भी ऐसी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अपना डिसीजन जो है ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो इसका सबसे पहला जो कॉन है वो है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, बहुत स्लीक है, पतला है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पीछे की साइड जो ड्यूअल कैमरे का सेटअप है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो अगर आप उसको प्लेन सरफेस पे इस तरीके से रखते हैं तो चांसेस ज्यादा है, या अपनी पॉकेट में रखते हैं और पॉकेट वगैरह में अगर आपके किसी बाइक की चाबी वगैरह है या कॉइन्स वगैरह है तो आपके कैमरे के लेंस में जो है वो स्क्रैच लग सकता है, क्योंकि जो है बाहर की तरफ इसका कैमरा जो है वो निकला हुआ है। तो आपको जो है अगर ये फोन लेते हैं तो संभाल के थोड़ा सा रखना होगा, और तुरंत ही जो है वो एक केस लगा के आपको रखना होगा, ताकि जो बाहर की तरफ जो आपका कैमरे का पोर्शन जो निकला हुआ है वो कवर हो जाए। तो ये एक इसका जो है माइनस पॉइंट है, क्योंकि कैमरा बहुत जरूरी है, एक बार अगर आपके कैमरे के लेंस में जो है स्क्रैच आ गया तो आपका कैमरा जो है वो गया काम से। तो और दूसरी बात करते हैं कि इस फोन में जो है ना ये वाटर रेजिस्टेंस है, ना ये डस्ट रेजिस्टेंस है, आईपी रेटिंग इसमें नहीं दी गई है, वाटर रेजिस्टेंस डस्ट रेजिस्टेंस से जो नहीं है, इतना महंगा फोन है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो एक फीचर ये भी जो है वो देना चाहिए था, लेकिन वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, तो ये एक इसकी कमी है। हालांकि बहुत बड़ी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम सब ऐसे ही अपने फोन्स को पानी से बचा के रखते हैं, पर फिर भी अगर होता तो एक अच्छी बात होती। और नेक्स्ट इसका एक जो सबसे बड़ा कॉन है, जो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, वो ये है कि 18:9 का इसमें जो है कहना चाहिए स्क्रीन है, 6 इंच की स्क्रीन है, इतनी बढ़िया स्क्रीन है, लेकिन उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दिया गया है, किस टाइप की भी प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है, जस्ट एक नॉर्मल सिंपल सा ग्लास है। तो अगर आपका फोन जो है वो गिरता है, या फिर अगर आपके फोन में आपके जेब में चाबी वगैरह है या कॉइन वगैरह है, तो आपके फोन में आसानी से जो है वो स्क्रैचेस जो है वो लग सकते हैं, और अगर आपका फोन गिरेगा तो जरूर से ये जो है वो टूट जाएगा। तो इतने महंगे फोन में तकरीबन अगर ये 30,000 रुपए में लॉन्च होता है ये फोन, तो 30,000 रुपए के फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो नहीं दिया गया है, तो इसको बहुत ही संभाल के आपको चलाना पड़ेगा। और टेम्पर्ड ग्लास तो आपको फोन लेते ही जरूर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टाइप की ग्लास में प्रोटेक्शन नहीं है, एक बार अगर आपका फोन गिरा तो जरूर से वो टूट जाएगा।
तो ये एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है, जरूर से इसको देना चाहिए। ऑनर के 7X में भी जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो नहीं दिया गया है और इसमें भी नहीं दिया गया है, पता नहीं कि क्यों नहीं देते हैं, जबकि 15,000 या 12,000 रुपए वाले फोन्स में जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देते हैं, पर पता नहीं ऑनर वाले क्यों नहीं देते। तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दी गई है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि काफी अच्छा है, पर QHD डिस्प्ले है और इसमें जो है QHD डिस्प्ले में 6 इंच की स्क्रीन है इसकी, और इसमें जो है वो ज्यादा पिक्सल्स जो है वो देखेंगे आप, और ज्यादा पिक्सल्स का मतलब है बैटरी कंजम्पशन का ज्यादा होना, उन पिक्सल्स को लाइट अप करने के लिए ज्यादा बैटरी का लगना। तो 6 इंच की बैटरी, सॉरी 6 इंच की स्क्रीन है और 3740 mAh की बैटरी है, तो जो है QHD डिस्प्ले जो है वो ज्यादा बैटरी जो है वो कंजम्पशन करता है। तो इसकी जो बैटरी बैकअप वैसे भी ऑनर का कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं होता, एवरेज होता है, एक पूरा दिन बहुत ही मुश्किल से जो है वो चलता, चाहे आप कोई सा भी फोन ले, 9i, Honor 8 Pro या 6X, तो इसमें भी जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी आने वाली है बैटरी बैकअप को लेके, क्योंकि स्क्रीन जो है वो QHD है और QHD जो है वो ज्यादा बैटरी जो है वो कंजम्पशन जो है वो करता है। और इस तो इसी से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम ये है कि View 10 में जो है एमुलेट स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एमुलेट स्क्रीन का इस्तेमाल सैमसंग वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सबसे मेन बात ये है कि पावर की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होती है QHD की अपेक्षा में, और साथ ही साथ जो है उसके व्यू एंगल ज्यादा अच्छे होते हैं, स्मूथ ज्यादा होता है वो, और जो है ऑलवेज स्क्रीन ऑन और नोटिफिकेशन ऑलवेज स्क्रीन ऑन वाले जो ऑप्शन है जिसमें टाइम और नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा जो है वो ऑन रहता है, इस सारे फीचर्स जो है वो एमुलेट स्क्रीन में होते हैं। पर सबसे बड़ा मेन जो है फैक्टर ये होता है कि एमुलेट स्क्रीन जो है वो कम बैटरी जो है वो कंजम्पशन में लेती है, तो आपकी बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ऑनर इतने महंगे फोन में भी अभी तक अपने किसी भी फोन में जो है वो एमुलेट स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करता, ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है। और नेक्स्ट जो बात करें इसके माइनस पॉइंट की, वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। हालांकि इसके कैमरे में रेयर साइड में जो 16 MP का मेन जो कैमरा है उसमें f1.8 का अपर्चर है, जो कि लो लाइट में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, देने की कोशिश करेगा और देगा भी, परंतु जो बात है वो ये है कि नो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो आपको फोटोज में जो है वो नॉइज देखने को मिलेगी, बहुत स्टेबल रह के आपको जो है फोटोज वगैरह जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो होता तो लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस जो वो अभी होगी उससे और बेहतर होती। तो इतने महंगे फोन में क्यों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है ये समझ नहीं आता। ऑनर 7X में भी नहीं था, Honor 8 Pro में भी नहीं था, तो क्यों ये नहीं देते ये भी एक बात नहीं समझ में आती। और एक लास्ट छोटा सा एक जो है इसकी माइनस जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिए गए हैं, हालांकि वो सभी फोन्स में देते हैं कि आप दो सिम यूज करें या तो एक जो मेमोरी कार्ड और एक सिम, पर इसमें एक खास बात फीचर ये दिया गया है कि आप एक साथ 2 VoLTE सिम चला सकते हैं, मतलब अगर आप 2 सिम दिन भर में 1 GB चलाते हैं, अगर किसी को 2 जियो सिम चलाने हैं तो अगर वो 2 जियो सिम एक साथ चला सकता है, तो अगर आप इसमें एक हाइब्रिड की बदले डेडिकेटेडली जो है मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे देते तो और ज्यादा जो है वो अच्छा होता, पर एक छोटा सा रीजन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाके रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है वो ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।